Hello students, today we are going to discuss representation of irrational numbers on a number line. ठीक है, last class में हम already discuss कर चुके हैं what are rational numbers and irrational numbers. ठीक है, एक बार हम जल्दी से revise कर लेते हैं what are irrational numbers. Irrational numbers are those numbers which cannot be represented in the form of p upon q. ठीक है, जिनको हम p by q की form में represent नहीं कर सकते. They are called irrational numbers. Example root 2, root 3, root 5 and so on. So all numbers in the square root are irrational numbers except the perfect square numbers. The decimal expansion of irrational number is non-terminating and non-repeating. Irrational numbers ka decimal expansion kaisa hota hai? Non-terminating and non-repeating. To humne last class mein bhi ye discuss kiya tha ki hum नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इन सबको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज इरेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स. ठीक है, रियल नंबर्स आर ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स. ठीक है, और व्हाई रियल नंबर्स आर कॉल्ड रियल? बिकॉज दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रियल. तो हमने क्या क्या देख लिया क्लास 6 से लेकर के 8 तक कि हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन अभी तक हमने इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया है. ठीक है, सो इन दिस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस how we can represent an irrational number on a number line. So example 1 is locate root 2 on a number line. Locate root 2 on a number line. अब root 2 को हम number line पे कैसे represent कर सकते हैं? ठीक है, तो स्टेप्स थोड़े से ध्यान से देखना. स्टेप 1, ड्रॉ अ नंबर लाइन बाय यूजिंग अ पेंसिल एंड अ रूलर. ठीक है, हमें पेंसिल और रूलर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम 1. ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 पे भी हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर. ये परपेंडिकुलर इसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर. इसको मार्क कर लेते हैं पॉइंट ए. अब ये परपेंडिकुलर हम रूलर से डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं, 90 का एंगल भी बना सकते हैं, या प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है, हम ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन नहीं करना है हमें 90 का, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर हमारे पास स्पेस कम है. ठीक है, तो हम या तो प्रोटेक्टर यूज करेंगे या फिर रूलर से हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज जॉइन 0 to point A. 0 को किससे जॉइन करना है हमें? पॉइंट ए से. तो ये जो हमें ब्लू लाइन दिख रही है 0A, ये कितनी है? रूट 2. ठीक है, हो गई रूट 2. और लास्ट स्टेप, टेकिंग 0 एज सेंटर, 0 को सेंटर लेना है, एंड 0A एज रेडियस. तो पेंसिल रखेंगे 0 पे, कंपास रखेंगे 0 पे, और पेंसिल रहेगी पॉइंट ए पे. नाउ ड्रॉ एन आर्क. ये हो गया रूट 2. लेकिन ये रूट 2 बना कैसे? 0A जो लाइन है वो रूट 2 कैसे बन गई? ठीक है, तो उसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. 0 से 1, ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर. सो इन ट्राइंगल
BA. Angle B is equals to 90. O से B तक ये वाली डिस्टेंस कितनी ली है हमने? 1 सेंटीमीटर. 1 से A तक की डिस्टेंस हमने कितनी ली है? 1 सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड करना है? OA. और 1 पे हमने 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. तो एंगल B कितना हो गया? 90 डिग्रीज. इन ट्राइंगल ABO, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम. OA स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1. OA स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1. OA स्क्वायर इज इक्वल टू 2. OA इज इक्वल टू रूट 2 सेंटीमीटर. तो OA की लेंथ कितनी आ गई? रूट 2. अगर ये रूट 2 है और हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमें नंबर 9 पे भी क्या मिल जाएगा? रूट 2. रूट 2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो अगर हम रूलर रखेंगे या स्केल रखेंगे यहां पर और उसको मेजर करेंगे इस पॉइंट को, तो ये कितने पे आएगा? 1.4 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज लोकेट रूट 3 ऑन अ नंबर लाइन. रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. ठीक है, हम दोनों ही मेथड देख लेते हैं. फर्स्ट मेथड जो हमें एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ठीक है, वो है फर्स्ट मेथड. हमने रूट 2 ड्रॉ किया था, तो सेम पहले हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन. सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ नंबर लाइन यूजिंग रूलर एंड पेंसिल. Draw a number line using ruler and pencil. Next step, root 2 mein kya tha next step? Draw a perpendicular of 1 centimeter from 1. Draw a perpendicular of 1 centimeter from 1. Point A. Join 0 to A. 0 se A ko join karna hai. तो ये ओ ए क्या आ गया हमारे पास? 0 ए. ये आ गया रूट 2. ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. ठीक है, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. सो नेक्स्ट स्टेप होगा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन ए. ए पे हमें 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ये हो गया पॉइंट बी. 0 a ये कितना है? रूट 2. ए बी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर. नेक्स्ट स्टेप जॉइन 0 b. 0 b जॉइन कर लें तो 0 b क्या आ जाएगी? इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? रूट 3. नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग 0 as सेंटर एंड 0 b as radius, draw an arc. ये arc इस number line पे जहां पर भी intersect करेगी वो arc क्या रहेगी? root 3. ये तो हो गया इसका first method. इसी question को represent करने के लिए हमारे पास एक method और है, second method. Locate root 3 on a number line. Step 1, draw a number line
Step 1, draw a number line. Next step is, draw a perpendicular of 1 centimeter from 1. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने 1 सेंटीमीटर का वन पे, जैसा फर्स्ट स्टेप में क्या था रूट टू के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में. जॉइन 0 to A, 0 को किससे जॉइन कर लेते हैं, A से. नाउ टेकिंग 0 एज सेंटर एंड 0A एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क. ठीक है, ये आ गया रूट टू, ये तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है. ठीक है, अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट थ्री रिप्रेजेंट करना है नंबर नाइन पर. तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस नंबर नाइन पे जहां पर भी हमें रूट टू मिल रहा है वहां से हम एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन रूट टू, ये हो गया पॉइंट डी. 1 से भी हमने 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, रूट 2 से भी हम 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं. जॉइन 0B, 0 को किससे जॉइन कर लेते हैं, B से. नाउ टेकिंग 0 एज सेंटर, 0 सेंटर, 0B एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क. ये आ गया रूट 3. तो दोनों में से हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड हमें एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, सेकेंड मेथड भी सेम ही है. ठीक है, अब यहां पर 0B या यहां पे भी अगर हम बात करें 0B, तो ये वाली लाइन की लेंथ रूट 3 कैसे आ रही है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से इसको वेरीफाई कर सकते हैं. Given a triangle, right angle triangle OAB. OAB क्यों ले रहे हैं? क्योंकि A पे 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये 90 हो गया. 0A ये कितना है? Root 2. और AB कितना है? सेंटीमीटर्स है, 1 सेंटीमीटर. Similarly, अगर इस वाले मेथड में भी देखें, तो 0 से यहां तक की लेंथ कितनी है? Root 2. तो ये तो हो गए Root 2. फिर Root 2 पे हमने 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर. अब फाइंड क्या करना है हमें, OB इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. OB स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रूट टू प्लस स्क्वायर ऑफ 1. OB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 3, OB इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर. सो OB इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये थे रूट टू और रूट थ्री, ये इरेशनल नंबर से जिनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, लोकेट रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन. क्वेश्चन नंबर 3, लोकेट रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन. तो रूट 5 को भी लोकेट करने के लिए हम सेम मेथड यूज करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 2 से ज्यादा मेथड हो सकते हैं. कैसे? ठीक है, फर्स्ट है, फर्स्ट मेथड
Step 1, draw a number line. Step 1, draw a number line. ठीक है, अब number line तो हमने draw कर ली, तो अब सबसे पहले क्या draw करेंगे? Root 2. और root 2 कैसे draw करेंगे? Draw a perpendicular of 1 centimeter on 1. Point A, join 0 to A. ठीक है, ये हो गया root 2. ये हम already सीख चुके हैं, root 2 को represent करना number line में. Next step, draw root 3 on a number line. ठीक है, root 3 कैसे represent करते हैं number line पे? Draw a perpendicular of 1 centimeter from point A. A से 1 centimeter का perpendicular, join 0 to B. ये हो गया root 3. ये भी हम अभी represent कर चुके हैं. Root 2 represent कर दिया, root 3 represent कर दिया. अब हम क्या represent कर सकते हैं? Root 4 represent कर सकते हैं. तो root 4 represent करने के लिए क्या करेंगे? Draw a perpendicular of 1 centimeter from point B, join 0 to C. यहां पे 1 सेंटीमीटर, यहां भी 1 सेंटीमीटर. ये हो गया root 4. ठीक है, अब क्या draw करना हमें? Root 5. तो root 5 के लिए हम क्या करेंगे? Draw a perpendicular of 1 सेंटीमीटर from point C. Join 0 to D. तो ये लाइन क्या रहेगी? 0 D, root 5, taking 0 as center and 0 D as radius, draw an arc. Root 5. ठीक है, तो अगर हमें root 5 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो हम क्या कर सकते हैं? पहले हम ड्रॉ करेंगे रूट टू, फिर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर 0 बी को जॉइन करेंगे रूट 3, फिर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर 0 सी को जॉइन करेंगे रूट 4, फिर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर 0 डी को जॉइन करेंगे रूट 5. ठीक है, अब 0 सेंटर, 0 डी रेडियस और एक आर्क ड्रॉ करनी है, और हमें क्या मिल जाएगा? रूट 5. एसी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक और मेथड है हमारे पास, सेकंड मेथड. Second method is, draw a number line. Step 1, draw a number line. Draw a perpendicular of 1 centimeter on 1. 1 पे हमें क्या करना है? 1 centimeter का perpendicular draw करना है. ये पॉइंट हम ए मार्क कर लेते हैं, जॉइन 0 टू ए. 1 पे 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये आ गया रूट 2, ड्रॉ एन आर्क रूट 2. अब अगर हमें रूट 3 रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 3 कैसे रिप्रेजेंट होगा? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन रूट 2, join 0 to B. ये हो गया root 3. ये भी अभी हमने root 3 जब represent किया था, तब इस तरह से represent किया था second method में. Taking 0 as center and 0 B as radius, draw an arc. ये आ गया root 3. Next step, draw a perpendicular of 1 centimeter on root 3.
रूट थ्री पे 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर जॉइन 0 to C, टेकिंग 0 एज सेंटर एंड 0C एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। ये आर्क एग्जैक्टली किस पे आएगी? 2 पे। क्यों? क्योंकि हम पहले रूट टू रिप्रेजेंट कर चुके हैं, फिर सेकेंड हमने क्या रिप्रेजेंट करा है? रूट थ्री। और फिर थर्ड हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है? रूट फोर। ठीक है, और रूट फोर कितना होता है? 2। तो हम एग्जैक्टली 2 पे आ गए। अब लास्ट स्टेप, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन 2, जॉइन 0 to D, टेकिंग 0 एज सेंटर एंड 0D एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। ये आ गया रूट 5। ठीक है, तो अब अगर इसी तरह से हमें रूट 6, रूट 7 ड्रॉ करना है, तो हम 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे रूट 5 पे, 0 से E को ज्वाइन करेंगे रूट 6, सिमिलरली रूट 7, रूट 8 या एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि इसके हमारे पास एक मेथड और है रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर 9, थर्ड मेथड। ड्रॉ अ नंबर 9 using ruler and pencil। ठीक है, अब अगर हम इस वाले मेथड में देखें तो रूट 4 किस पे आया था? 2 पे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? 1 पे 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे। अब की बार हम क्या करते हैं? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन 2। 2 पे हम 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। Join 0 to A, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, join 0 to A, taking 0 as center and 0A as radius, draw an arc। तो ये हम डायरेक्टली रूट 5 कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा ज्यादा मुश्किल नहीं है, वापस से हम पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई कर रहे हैं इसमें। ठीक है, सो इन ट्राइंगल OBA, एंगल बी इज इक्वल टू 90 degrees, ए बी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओ से बी, ये जो हम लेंथ ले रहे हैं ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये टोटल कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 2 पे 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। 2 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हो गया 1 सेंटीमीटर। फाइंड ओ ए इन ट्राइंगल ओ बी ए। ओ ए स्क्वायर is equal to OB square plus AB square, OA square is equal to square of 2 plus square of 1, OA square is equal to 4 plus 1, OA square is equal to 5, OA is equal to root 5 centimeter। तो अगर हमें root 5 को number 9 पे represent करना है, तो हमें तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी मेथड से हम रूट 5 को नंबर 9 पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये उसका वेरिफिकेशन है। ठीक है, अगर हम तीनों मेथड में देखें तो हमारे साथ तीनों मेथड में यही हो रहा है कि हमें बेस 2 सेंटीमीटर मिल रहा है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर मिल रहा है। इस वाले में देख लें तो OC ये बेस हो गया, ये है रूट 4, रूट 4 हो गया 2, और ये परपेंडिकुलर हमने कितना ड्रॉ किया था? 1 सेंटीमीटर। सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें तो 0 से 2, यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 2 पे 1 सेंटीमीटर का, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। थर्ड मेथड पे भी अगर हम देखें तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो सारे केसेस में हमें यही आंसर मिला है रूट 5 के। नाउ यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस।
locate the following irrational numbers on a number line. First, root 5. ठीक है, वैसे हम ऑलरेडी रूट 5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन रूट 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है लोकेट और रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन. ठीक है, तो हमें वापस ट्राई करना है. रूट 5, सेकेंड रूट 7, थर्ड रूट 11 और फोर्थ अंडर रूट 13. तो हमें ये नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. रूट 5, रूट 7, रूट 11 एंड रूट 13. तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. और उसके बाद ये क्वेश्चन हमें ट्राई करना है, रूट 5, रूट 11, रूट 7 और रूट 13. नेक्स्ट इज रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. Next topic is real numbers and their decimal expansion. ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? All the rational and irrational numbers are called real numbers. तो real numbers में क्या क्या include हो रहा है? Rational, rational number and irrational number. ठीक है, रेशनल नंबर्स इसके डेसिमल एक्सपेंशन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. और इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन इसका सिर्फ एक ही टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. रियल नंबर्स are classified into two types, broadly classified into two types, rational numbers and irrational numbers. Decimal expansion of rational number is terminating and non-repeating, and non-terminating repeating. Irrational numbers का decimal expansion non-terminating and non-repeating. तो अब हम अभी बात कर रहे हैं केवल rational numbers के बारे में. ठीक है, और rational numbers को हम decimal में convert करेंगे. तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे फर्स्ट. ठीक है, और उनको डेसिमल में कन्वर्ट करके हम उसको चेक करेंगे कि वो जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ. ठीक है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन किसका फाइंड करना है? फर्स्ट है 10/3. 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लें. तो डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 10/3 फ्रैक्शन में गिवन है, डिवाइड कर लेते हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डेसिमल में. सो डिवाइड 10/3, 3 टाइम्स 3 9,
remainder 1, decimal 0. 3 times 3, 9, remainder 1, 0. 3 times 3, 9, remainder 1, 0. 3 times 3, 9, remainder 1. क्या हमें remainder 0 मिलेगा इस केस में? नहीं, हर बार हमें remainder 1 मिलता जाएगा. तो ये decimal expansion कैसा हो गया? Non-terminating, 3.333, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3.3 बार. डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स रिपीट होंगी उनके ऊपर हम बार अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम बार लगाएंगे. तो यहाँ पे सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रही है 3, तो हम सिर्फ उसके ऊपर बार लगा रहे हैं और ये क्या हो गया, रिपीटिंग. टेन बाय थ्री रैशनल नंबर गिवन था, ठीक है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 7/8. इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हमें फाइंड करना है 7/8 का. क्या कर सकते हैं अपन, डिवाइड 7/8 7 इज लेस देन 8 सो 0 पॉइंट डेसिमल लगा दें 70 8 टाइम्स 8 64 रिमेनिंग 60 8 टाइम्स 7 56 रिमेनिंग 4 40 8 टाइम्स 5 40 रिमाइंडर 0. अब जब रिमाइंडर 0 आ गया है तो हम इसका डिवीजन और आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो हो गया है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग. और क्वेश्चन के अंदर अगर हम डेसिमल के बाद की डिजिट्स देखें तो क्या रिपीट हो रही, रिपीट तो नहीं हो रही, देखिए, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको नॉन रिपीटिंग. तो 7/8 ये भी एक रैशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो हमने दो एग्जांपल देखे, रैशनल नंबर्स इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. इन दोनों ही रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस के एक एक एग्जांपल हमने चेक कर लिया है और ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी भी रैशनल नंबर को, ठीक है. वहां पर हमें सिर्फ क्या करना है, डिविजन करना है. अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए देन इट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, और डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट हो रही है देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. सो यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. फर्स्ट इज 36/100, सेकेंड 1/11, थर्ड 3/13, फोर्थ 4/1/8, फिफ्थ 2/11 एंड सिक्स्थ 329/400. ठीक है, यहां पर इन सबको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. डिवाइड करके इन रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या बताना है कि इनका टाइप कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ठीक है, तो ये हमने आज क्या कंप्लीट कर लिया, इसमें पहला पार्ट हमने क्या कंप्लीट किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये हमने रिप्रेजेंट करके देखे नंबर लाइन पर. सेकेंड हमने आज क्या किया है, यहां पर रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर्स और उनका डेसिमल एक्सपेंशन. उसमें भी अभी हमने सिर्फ आज क्या पढ़ा है, रियल नंबर्स में भी रैशनल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग
एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। इन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और इनका टाइप हमें बताना है। ओके, थैंक यू।